अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं एक बार फिर एक जगह मैंने सोलर सिस्टम मैंने नहीं लगाया था, कंपनी ने किसी को लगाया था, तो उनके बिलों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। तो मैंने पहले धोखे में नहीं रखा क्लाइंट को, मैंने पहले कहा कि बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा किए जा रही है गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मगर अभी आपके सामने मैं ये डीबी को खोलने लगा हूँ और इसको दिखा के मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। मैं डीबी से पहले आपको खोलने से पहले दिखा दूंगा, इन्होंने रंग रंग के ब्रेकर लगाए हुए हैं, तो इनकी पहले मैं सिमेट्री करूंगा। ये टेरेसा की का है और ये हैगर के हैं, ये सीक्वेंस में लेकर आऊंगा मैं ये, और अंदर से खोल कर दिखाता हूँ स्ट्रे विद मी। ले व्यूअर्स, डीबी आपका टाइम कम से कम ज़ाया हो, और मैं शॉर्ट कट करके बनाऊंगा, छोटे छोटे शॉर्ट। तो ये आपके सामने है डीबी किस कैटेगरी की बनी हुई है, इसमें किसी तार की समझ नहीं आ रही, तो इसको मैंने पूरी डीबी को पहले ऑल टू ऑल खोल देना है। बेशक वो आप बंद कर देंगे इसकी मेन ब्रेकर से हम, और मेन पॉइंटों से चेक करेंगे कि ऊपर करंट कैसे गया हुआ है ऊपर की डीबी में, और अर्थ की तारों को अलहदा करूंगा, यूपीएस की तारों को अलहदा करूंगा, और अगर मेरा कैमरा जूम कर कर ये पॉइंट दिखा सके तो इस तरीके से लगती है डिब्बियों के अंदर आग। ये पॉइंट जो है, ये तार जो है जल गई हुई है, तो ये जल मीटरों की वजह से गई है, और जोड़ आपके सामने है, ये न्यूट्रों को जोड़ कैसे दिए हुए हैं इन्होंने, और जो न्यूट्रल स्ट्रिप है वो भी काफ़ी भरी हुई है। इसी तरीके से ये जोड़ देखें, ये जोड़ सब गायब कर दूंगा, एंड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनती है डीपी ये। लें व्यूवर्स, इस तरह की वीडियोस, सॉरी डीपी बनवाने के लिए मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। और ये जो डीपी मैं बना रहा हूँ, ये एक किनाल के घर की डीपी थी, जिसको मैंने आपके सामने पूरे का पूरे पहले उधेड़ना है, इसको सारी तारें इजाफी ख़त्म करनी है, जो काम की तारें हैं वो लगाऊंगा, क्योंकि जब जब घर बनता है तो उसमें कुछ तारें एक्स्ट्रा डाली जाती हैं कि कल को आने वाले वक्त में किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी डाल दी जाए। और यूपीएस की तार डाली हुई है इन्होंने, येलो कलर की, ग्रीन कलर की तार डाली हुई थी अर्थ के लिए, जो उन्होंने यूपीएस की न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल की हुई थी। मगर इन्होंने क्या क्या किया हुआ था आपके सामने है, ये बहुत खुजली मची हुई थी इस काम में। मैंने बड़ी मेहनत के साथ इसको सेट करने की कोशिश की है डीबी को, तो आज मुझे 24 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं ये भी डीबी मैंने कंप्लीट करके वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी वॉइस अपनी भी डाल दूँ मैं, तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तकरीबन पूरा दिन लग गया इस डीबी को तैयार करने में। आपके सामने पहले खोला है, ऑनलाइन में ही हर चीज़ को ख़त्म किया है, और ये अब नए सिरे से मैं अभी बनाना शुरू करूंगा मैं। और जब मैं बनाना शुरू करूंगा उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं और कुछ रह गई हैं, क्योंकि तो आपके सामने है, वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, तो मेरी वीडियोस देख के इसको यार लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, ताकि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और मुझे ऑल पाकिस्तान में कहीं पर भी आप बुला सकते हैं, लोग बाहर से पैसे भेजते हैं घर वालों को कि सोलर सिस्टम लगवा लें। सोलर सिस्टम लगवाने के बाद तो ये बिलों में फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो वो यही वजह है कि न्यूट्रल और फेज वापडा की न्यूट्रल और सोलर की न्यूट्रल ये कंबाइन होती है, और इसकी वजह से जो है बिजली के बिलों में खासा फ़र्क नहीं आता। तो जिनके बिलों में खासा फ़र्क नहीं आ रहा वो मेरे से रुजू कर सकते हैं। मैं स्क्रीन में आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो वीडियो के सामने शो हो रहा होगा आपको ये, तो वीडियो का मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे ही रब्ता किया करें। उसकी वजह यह है कि जिस वक़्त मैं मोटरसाइकिल पर होता हूँ तो उसमें जो है फिर मुझे बेल का नहीं पता लग पाता, क्योंकि मेरी 125 जो है वो शोर बहुत करती है, आपको पता है 125 शोर बहुत करता है, और मोबाइल में मोटरसाइकिल पे सुनता भी नहीं हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज किया करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई थोड़ी थोड़ी क्लिप्स के साथ। ये जो है मैंने टाइयाँ करके इस तरीके से साइडों पे लगा के एसीओ को कनेक्शन कर दी है मैंने, और ये तारें यूँ इस तरीके से हटाऊँ तो ये भी साइडों पे होनी है। मैंने कि वफकन फोफकन आपको दिखाता हूँ, दूसरी तारें दूसरी साइड से आएंगी, ये साइड कंप्लीट कर दी है, ये नीचे को कनेक्शन अब लेकर आया हूँ मैं।
लेमिवर्स, काम का अहतमाम हुआ। मैं आपको बताऊं, ये दो सर्किट बनाए मैंने, एक ये वापडा का है, वापडा से मैंने सिर्फ दो पॉइंट लिए, ये एसीओ के पॉइंट दिए चार, और दूसरे सर्किट से ये दो पॉइंट दिए हैं एसीओ के। वापडा पे सिर्फ हमने ये कुछ चलाया है, और उसकी जो न्यूटन है वापडा की, मेन न्यूटर ये है, और ये ऊपर वाले पोर्शन में जा रही है न्यूटर, और ये जो है एसीओ की न्यूटलें हैं। इसी तरह ही कुछ तारें इस दर से टर्न करके इसकी पत्री की बैक साइड से लेकर इसमें लगाई हैं, ये सोलर की हैं, और ये फेस हैं तीनों। इसी तरह ये पांचों फेस हैं, ये सोलर के फेस हैं। ये जो कनेक्टर बनाया है मैंने, ये न्यूट्रल है। पहले जो तारों के जोड़ लगे हुए थे, सब तारों के जोड़ ख़त्म कर दिए हैं मैंने, और ये कनेक्टर लगाकर ये जोड़ लगाए हैं छोटे छोटे से, और इनको टाइयाँ की हैं ताकि ये जो है बिल्कुल स्मूथली काम हो जाए। इस तरीके से मैंने काम को अहतमाम दिया है। ये सारा डीबी जो है, ये सारी डीबी ये सोलर पे है, ये सोलर पे है, और ये वापडा पे है। दो पोर्शन चला दिए हैं, और न्यूट्रल और फेस कंफर्म हमने अलग अलग की है, और जो तारें एक्स्ट्रा थीं वो हमने इस तरीके से इसको टाई अप कर दी हैं, जो तारें एक्स्ट्रा थीं। और इसके अलावा हमने इजाफी तार कोई नहीं कनेक्ट की। अर्थ की जो तारें थीं वो उन्होंने न्यूट्रल में इस्तेमाल की हुई हैं, उसी तरह ही न्यूट्रल में लगाई हैं ये। ओके, अल्लाह हाफिज़।